दोस्तों देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एएनटी नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। JKWB उजाला कंपनी का कूलर खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड JKWB लोगो अवश्य देखें और धोखेबाजों से बचें। JKWB उजाला कूलर 25 सालों से एक विश्वसनीय नाम। अपना प्यारे वक्त है आराम का, अपना प्यारे वक्त है आराम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का, शाम का। आ गया लो मेला मेरे शाम का। मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं। कल से शुरू होने जा रहे हैं हांसी की चार कुतुब दरगाह में सालाना उर्स, जिसके लिए दरगाह में तैयारियां शुरू हो गई है। ये उर्स हजरत कुतुबे जमालुद्दीन अहमद हांसी की याद में हर साल मनाया जाता है। इस उर्स में देश भर से लोग दरगाह चार कुतुब में आते हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हर मजहब के लोग इस उर्स में शामिल होने के लिए हांसी आते हैं। इस उर्स को मनाते हुए आज करीबन 780 वर्ष हो गए हैं। दरगाह के गद्दी नसीन चांद मियाँ के भाई सैफुर रहमान जमाली क्या कहते हैं इस उर्स को लेकर, सुनिए ज़रा। सैफुर रहमान जमाली ने बताया कि ये उर्स 780 सालों से लगातार चलता आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो सूफी संत होते हैं उनके लिए मरना शब्द लगाना अच्छा नहीं होता, इसीलिए उनकी याद में उर्स मनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उर्स का मतलब होता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मिलन। यही कारण है कि जो सूफी संत होते हैं उनका खुदा से मिलन की उर्स कहलाता है। उन्होंने कहा कि इस उर्स में शामिल होने के लिए एक हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। हम ही पाए थे क्या अपने लुटन ने? ये बात होगी बहन जी, हमने तो उजाला कंपनी का असली कूलर चाहिए था, यो क्या दे दिया आपने? यो उजाला का तो है बहन जी। भाई साहब वो वाला चाहिए था जिसपे JKWB का रजिस्टर मार्क हुए। बहन जी यो ले ले, यो भी तो कंपनी का है, न्यू है। उजाला कंपनी का कूलर है तो दे दियो, ये तुम्हारे पैसे वापस दे दियो। आजकल तो गांव वाला नहीं बिरा लगन लगा असली और नकली कूलर का। JKWB उजाला कंपनी का कोई भी कूलर खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड JKWB लोगो अवश्य देखे और धोखेबाजों से बचे। सर मतलब किस प्रकार का आयोजन मतलब दरगाह के अंदर होता है और मतलब कितने वक्त से ये चला हुआ है? ये 780वां उर्स है यहाँ। 780 साल को उसको होते हुए हो गया 780। ये हजरत कुतुबे जमालुद्दीन अहमद हांसी की याद में ये उर्स मनाया जाता है। आपका विशाल लगभग आप 780 साल पहले हुआ था कि विशाल जो होता है वो खुदा से मिलन की रात होती है। जो सूफी संत होते हैं उनको मरना शब्द उनके लिए उचित नहीं होता, इसलिए उनको उसका जो तारीफ होती है वफात की उसको विशाल कहा जाता है। उसके उसके बमाने शादी के हैं सर, शादी खुशी को कहते हैं। उसमें भी दो अजनबी लोग का मिलन होता है शादी में भी, तो एक दोस्त से दूसरे दोस्त का मिलन उसी का नाम उर्स है। और के जो जितने बुजुर्ग होते हैं सूफी संत होते हैं ये खुदा के दोस्त होते हैं, जब उनके दुनिया से चले जाते हैं तो वो एक दूसरे दोस्त से उनका मिलन हो जाता है, उसी के याद में उर्स मनाया जाता है। तो कितने दिन मतलब ये जो आपका ये हमारे यहाँ 4 दिन तक होगा, 26, 27, 28, 29 और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से शाबान की 9, 10, 11, 12 सन 1439 हिजरी है। तो कहाँ कहाँ से लोग मतलब इसमें शामिल होने के लिए आते हैं? इसमें हमारे यहाँ हिंदुस्तान के तकरीबन सभी जगह से आते हैं, राजस्थान से कुछ ज़्यादा आते हैं, दिल्ली से आते हैं, हरियाणा के भी होते हैं, यूपी के होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं, गुजरात के भी होते हैं, सभी जगह से। उन्होंने उर्स में होने वाले कार्यक्रम के बारे में बताया और उसके बाद बताया कि 1960 तक तो यहाँ पाकिस्तान से भी लोग आते थे।
जो हमारे ही दादा की औलाद के, उन्होंने कहा कि पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर इंजमाम गुल हम सब एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो किस तरह के मतलब इसमें प्रोग्राम चलते हैं उसमें? ये हमारा एक प्रोग्राम तो शुरुआत जो होती है वो कुरान की तिलावत से होती है, कुरान के पाठ से होती है। उसके बाद में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ शरीफ पेश होती है और फातिहा होती है, प्रसाद तकसीम होता है, सुबह शाम ये प्रोग्राम होता है और रात को कव्वाली का कव्वाली का। तो कव्वाली में कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कव्वाली में हमारे हमने जो जिनको कहा है वो जयपुर के हैं और आपके सहारनपुर के भी हैं और दिल्ली के भी आए, ये हमने उनको बुलाया है। तो कभी अपनी तो अपनी तरफ से कोई आ जाता है तो उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। तो कभी ऐसा हुआ मतलब विभाजन के बाद कभी पाकिस्तान से भी लोग इसमें शामिल होने के लिए आए हैं? सन 60 में आए हैं और क्योंकि वो हमारी ही एक ही दादा के औलाद हैं, तो पाकिस्तान वाले हैं वो भी एक ही दादा के औलाद हैं, उनकी फैमिली कुछ हिंदुस्तान में चली गई, कुछ लाहौर में है, ये इंजमाम उलक वगैरह जो क्रिकेटर हैं वो भी इसी खानदान से ताल्लुक रखते, यहीं रहते थे वो, तो हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त वो वहाँ चले गए। हम क्योंकि यूपी में रहते थे सांसावा जिला सहारनपुर में, उसके बाद में हम यहाँ 59 में आए, दादा हमारे वलीउर रहमान साहब उनका सन 61 में देहांत हो गया, उसके बाद मेरे पिता कुतबुल आलम साहब जमाली से ज़्यादा नशीन, उसके बाद में उनका 1999 में उनका इंतकाल हो गया, उनके बाद बड़े भाई साहब जो है वकारुर रहमान जमाली वो ज़्यादा नशीन। तो अभी गद्दी नशीन कौन है दरगाह का? जी वकारुर रहमान जमाली मेरे बड़े भाई। तो दोस्तों आप भी आइएगा इस पवित्र उसमें शामिल होने और हमें दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं ऐसे ही किसी कहानी के साथ, तब तक के देखते रहिए एएनटी नेशनल, एएनटी नेशनल ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं एएनटी नेशनल, खबर वही जो हो सही।